नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप शिखा। बुलेटिन की शुरुआत खबरों से। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल में अगले कुछ महीनों में दिमाग के कैंसर और ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन गामा नाइफ की मदद से किए जाएंगे। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एम्स में गामा नाइफ के लिए स्वीकृति भी दे दी है। इस सुविधा के शुरू होने से ब्रेन ट्यूमर के मरीजों को महीनों दर्द सहन नहीं करना पड़ेगा। इस एडवांस तकनीक से होने वाली सर्जरी में मरीजों को जल्दी अस्पताल से छुट्टी मिल सकेगी। वहीं एम्स भोपाल मध्य प्रदेश में पहला और देश में छठवां ऐसा सरकारी चिकित्सा संस्थान होगा जहां इस अत्याधुनिक गामा नाइफ का उपयोग किया जाएगा। एम्स प्रबंधन की माने तो करीब 85 करोड़ रुपए की लागत से गामा नाइफ मशीन खरीदी जाएगी। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से वित्तीय सहमति भी मिल गई है। इस मशीन से ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन रेडियस 0.01% ही रह जाता है। इसमें ब्रेन की ट्रेडिंग वैन यानी खून ले जाने वाली शिरा को छेड़े बिना सीधे ट्यूमर के DNA को नष्ट किया जाएगा। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को शहर में 15 नए मरीज मिले हैं। वहीं अस्पताल में भर्ती होने वाले कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। वर्तमान में 4 मरीजों को अस्पताल में भर्ती रखकर इलाज किया जा रहा है। वहीं कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 97 हो गई है। इधर प्रदेश में कुल 43 मरीज सामने आए। वहीं सबसे ज़्यादा 18 नए कोरोना संक्रमित मरीज इंदौर में मिले हैं। जबलपुर में 6, होशंगाबाद में 5, सीहोर और मंडला में 3 मरीज मिले। वहीं प्रदेश के कुल 10 शहरों में नए मरीज मिले और प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 381 हो गई है। सबसे ज़्यादा 120 एक्टिव मरीज इंदौर में हैं। वहीं बताने की भोपाल में 2 दिन की राहत के बाद फिर मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। 2 दिन पहले भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, फिर संख्या में गिरावट आई, लेकिन अब फिर से कोरोना मरीज बढ़ने लगे हैं। 104 घंटे की जद्दोजहद के बाद आखिरकार राहुल बाहर निकल गया। रेस्क्यू टीम ने आधी रात राहुल को बोरवेल से बाहर निकालने में जिला प्रशासन को बड़ी सफलता मिल गई है। इस भीषण गर्मी में राहुल साहू ने जिन इरादों का परिचय दिया वह इतिहास के लिए अनोखी कहानी बन जाएगी। वहीं बोरवेल से बाहर निकालने के बाद राहुल को तुरंत बिलासपुर के अपोलो अस्पताल पहुँचाया गया। इससे पहले एम्बुलेंस डॉक्टर ने राहुल का स्वास्थ्य परीक्षण किया था। वहीं डॉक्टर ने बताया कि राहुल की जांच की गई है जिसमें पैर में सूजन है, वहीं हल्की चोट भी आई है जो जल्द ही ठीक हो जाएगी। राहुल को फिलहाल ICU में भर्ती किया गया है। वहीं CM भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए कहा कि 104 घंटे तक एक सांप और मेंढक उसके साथी थे, आज पूरा छत्तीसगढ़ उत्सव मना रहा है, जल्द अस्पताल से पूरी तरह ठीक होकर लौटे हम सब कामना करते हैं। जबलपुर अमरकंटक राष्ट्रीय राजमार्ग में नर्मदा नदी के पुल पर टायर से भरा ट्रॉला अनियंत्रित होकर पलट गया था। ट्रॉले के गिरते ही ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई और फरार हो गया। सूचना मिलने पर यातायात पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं सड़क के दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। तभी यातायात पुलिस ने रूट डाइवर्ट कर वाहनों को निकाला। यातायात थाना प्रभारी ने बताया कि एक ट्रॉला टायर्स लोड कर जा रहा था, तभी नर्मदा नदी के पुल पर ट्रॉला अनियंत्रित होकर पलट गया। पुलिस ने रूट को क्लियर कराया। दमोह जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बांदकपुर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान समाजसेवी और अस्पताल के स्टाफ ने रक्तदान कर शिविर में अपना अहम योगदान दिया। डॉक्टर रंजीता गागन ने बताया कि कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल रहा। इसमें कुल मिलाकर 10 यूनिट से ज्यादा रक्तदान हुआ। 10 लोगों ने रक्तदान किया। और कैसा क्या कार्यक्रम आज का? आज का कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा क्योंकि यहाँ पे कुछ समाज से भी लोगों ने आके रक्तदान किया और साथ ही हमारे स्टाफ के लोगों ने भी रक्तदान किया। इसलिए आज का कार्यक्रम बहुत सफल। छतरपुर के खड्डी गांव में जमीनी विवाद पर एक बुजुर्ग को जमकर पीटा। मामले गौरीहार थाने का है जहां बुजुर्ग को कमरे में बंद कर लाठी डंडों व कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया गया। वहीं बुजुर्ग को बचाने गए उसके नाती के साथ भी आरोपियों ने मारा, जहां बुजुर्ग की हालत गंभीर बनी हुई है। बुजुर्ग बंधुपाल का जमीनी विवाद एक अन्य परिवार के साथ चल रहा था। वहीं पुलिस ने बुजुर्ग की रिपोर्ट पर 2 आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच करती है। थाना क्षेत्र गौरीहार अंतर्गत ग्राम खड्डी है, वहाँ पे कल सुबह
दो पक्ष में विवाद हुआ, जमीनी विवाद था, जिसमें जो फरियादी है राजकुमार पाल और उसका पिता हरपाल, दोनों को चोटें आई, सिर में गंभीर चोटें हैं, फादर उसका भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर हो गया। और इसमें दो आरोपी हैं, राम प्रसाद मुन्नीलाल प्रजापति, दोनों पिता पुत्र हैं, और जमीन विवाद को चल रहा था। हमने इसमें 307, 450, 323। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो बदमाशों को गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि दो बदमाश वैगनार गाड़ी से रामपुर की तरफ आ रहे थे। वहीं सूचना के आधार पर तुरंत टीम ने एक्शन प्लान तैयार किया और गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी। इस दौरान चेकिंग देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान एक बदमाश रो रोकर जान बचाने की भीख मांगता दिखा। उत्तर प्रदेश के देवबंद में भू माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। मंगलवार के दिन योगी सरकार का बुलडोजर भू माफियाओं की बनाई अवैध कॉलोनी पर चला, जिसके बाद एसडीएम दीपक कुमार ने कहा कि कॉलोनी काटने के सरकार ने नियम बनाए हैं, जिसका इन कॉलोनियों को बनाते समय फॉलो नहीं किया गया, जिसके चलते इन कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई। कि अवैध कॉलोनी किसी ने काट ली थी, कॉलोनी काटने के लिए नियम है, बाकायदा उसके लिए यहाँ विनियमितीकरण क्षेत्र है। किसी भी कॉलोनाइजर को पहले अपना नक्शा पास कराना होता है, उसकी धारा 80 करानी पड़ती है, उसके बाद ही उसे कराना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा यहाँ बिना नक्शा पास कराए किया जा रहा है, तो उसी में कार्रवाई की गई है। कल भी ये यहाँ पे सुलेमान हैं, कोई सुलेमान अंसारी, उनके द्वारा अवैध रूप से प्लॉटिंग की गई थी वहाँ। इसके अलावा एक दिक्कत ये भी थी कि वहाँ चकबंदी में अभी वो सेक्टर नपाई भी नहीं हुई है, और उसके बाद लोगों ने शिकायत की थी, उसी में कार्रवाई करते हुए उसको ध्वस्तीकरण कराया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में नगर निगम के कर्मचारी की ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत हो गई, जिसके बाद नगर निगम के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर सरकार से मृतक के परिवार के लिए 20 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को स्थायी नौकरी देने की मांग की, जिसके बाद मौके पर पहुंचे नगर निगम के विधायक मनीषा आशीजा ने मामले को शांत करवाया। कर दी जाएगी अगर ये व्यवस्था हमारी जो है इस समय तत्काल प्रभाव से हमारी जो समस्या का समाधान नहीं हुआ, 20 लाख का उसको तत्काल चेक मिलना चाहिए और उसको इस सरकारी नौकरी स्थाई चाहिए। वाहन चालक संघ यहाँ पर धरना दे रहा है और साथ में हमारे संगठन के पदाधिकारी योगी सरन जी है और भी उनके जिलाध्यक्ष महानगर अध्यक्ष है। मेन हमारा उद्देश्य है, कल रात को एक ड्राइवर है विशाल दीक्षित, जो उसको रात में टैंकर लेकर भेजा गया, उसके साथ एक ऐसी अनहोनी हो गई कि वो टैंकर के नीचे दब के एक्सपायर हो गया। तो अधिकारियों ने जब कोई सुध नहीं ली तो अब हम लोग यहाँ बैठे हुए, जब तक उसको मुआवजा नहीं मिलेगा 20 लाख उसकी पत्नी को, उसकी नौकरी सरकारी, जब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे, और हमारा उद्देश्य यही है। देवरिया जिले में आपसी रंजिश में पिता पुत्र की हत्या करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि बता दें कि टीकर गांव के रहने वाला अमरनाथ निषाद धारदार हथियार से लेकर महाराजगंज गांव में पहुंचा और घर के बाहर सो रहे शहीद नजीर और सोनू पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें पिता शहीद और पुत्र नजीर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सोनू गंभीर रूप से घायल है। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और मृतक के परिजनों की शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये देवरिया जनपद में रुद्रपुर थाना क्षेत्र में महाराजगंज गांव का मामला है, जिसमें एक व्यक्ति ने आपसी विवाद में एक धारदार हथियार से तीन व्यक्तियों पर हमला किया, जिनमें दो व्यक्तियों की मौके पर मृत्यु हो गई, तीसरे व्यक्ति को पुलिस द्वारा तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, उसकी हालात स्थिर है। इस प्रकरण में थाना रुद्रपुर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो मुख्य अभियुक्त है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सहारनपुर जिले के नुक्कड़ इलाके में पुलिस की दादागिरी की तस्वीर सामने आई है, जिसमें खाने के पैसे मांगने पर पुलिसकर्मी रेडी वाले के मारते दिख रहे हैं। दरअसल विश्वकर्मा चौकी पर मोमोज की रेहड़ी लगाने वाले जितेंद्र कुमार को पुलिस से पैसा मांगना भारी पड़ गया और पुलिसकर्मी ने अपनी वर्दी का रौब दिखाते हुए जितेंद्र के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसका पास ही लगे सीसीटीवी में वीडियो रिकॉर्ड हो गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं सहारनपुर पुलिस की ओर से आरोपी पुलिसकर्मी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
झांसी से जहां समतर थाना क्षेत्र स्थित पेट्रोल पंप के मैनेजर के साथ बदमाशों ने लूटपाट की। मैनेजर के मुताबिक पेट्रोल पंप से पैसा लेकर बैंक जमा करने जा रहे थे, तभी अचानक आए अज्ञात बाइक सवारों ने उस पर हमला कर उससे 6 लाख रुपए लूट लिए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिलहाल पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच पड़ताल शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये हादसा उस वक्त हुआ जब गंगा स्नान कर 40 श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्रॉली से लौट रहे थे, तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल पहुंचाया, फिर घायलों का इलाज जारी है। बदायूं के जो कचला घाट से बदायूं की तरफ एक ट्रॉली आ रही थी, इसमें कुछ महिलाएं बच्चे थे, ज़्यादातर आरामी गांव के हैं, तो इसके पीछे से एक ट्रक से टक्कर हुई है जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है और 14 लोग यहाँ पर घायल हैं। तो 2 लोग थोड़ा सीरियस हैं और उनका इलाज हो रहा है। हमने सब विजिट कर लिया है और यहाँ के दोस्तों साहब से बात कर ली है। यहाँ पे हमारे दोस्त के लोग और एडीएम साहब सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छे ढंग से जो मजरूम हैं, जो घायल हैं, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। ललितपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि ललितपुर में कुछ संदिग्ध लोग दिखे हैं। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद आरोपियों से पूछताछ की गई, जिसमें आरोपियों ने कई राज्यों में चोरी का खुलासा किया। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिसमें कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। सूचना पे थाना महरौनी पुलिस द्वारा सौजना रोड से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था। उनसे पूछताछ करने पर यह ज्ञात हुआ कि वो लोग एक संगठित रूप से बाइक चोरी का कार्य करते हैं। ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह है। इनके पास से पुलिस के द्वारा पूछताछ के आधार पर कुल 11 मोटरसाइकिलें हम लोगों ने बरामद की हैं। इनमें से 5 मोटरसाइकिलें जनपद के विभिन्न थानों से तस्दीक हो गई, वहाँ पर लिखे मुकदमों से उनको हम लोग लिंक कर पाए हैं। इसके अलावा अन्य बच्ची हुई मोटरसाइकिलों पर भी हम लोग लगे हुए हैं। DCRB, SCRB को हम लोगों ने इसमें पत्राचार उनसे दिया है और वो मोटरसाइकिलों की जैसे हम लोग को जानकारी मिल जाएगी कि उनके ऊपर किस थाने में अभियोग पंजीकृत है, उसमें हम लोग कार्रवाई करवाएंगे। प्रदेश में मानसून की सक्रियता बढ़ गई है, वहीं आज प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं। बता दें कि 2 दिन से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है, जिससे तापमान में भी गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा दक्षिण तटीय उड़ीसा के ऊपर 3.1 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। वहीं आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश और आंधी चलने की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश के रायसेन में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने विशाल बाइक रैली का आयोजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल कार्यकाल पूर्ण होने पर देश भर में 1 से 15 जून तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने की मुहिम चलाई जा रही है। इस रैली का संचालन जिला अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश किरार और युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष डॉक्टर भूपेंद्र नागर ने किया। आपको बता दें कि बाइक रैली पाटन देव से शुरू होकर शहर के प्रमुख चौक चौराहों से भाजपा जिला कार्यालय पर पहुंची। वहीं रैली में बीजेपी के युवा मोर्चा के जिला पद अधिकारी कपिल पटेल, अंशुल शर्मा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर जेपी किरार और युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष डॉक्टर भूपेंद्र नागर ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव में हमें भाजपा के लिए मतदान करना भी है और अधिक से अधिक मतदाताओं को बूथ तक लेकर भी जाना है। विशाल बाइक रैली निकाली जा रही है युवा मोर्चा द्वारा रायसेन जिले में निकाले पर। वो क्या क्या आयोजन क्या रहा आज मोदी जी के द्वारा किए गए बहुत सारे कार्यक्रम, जैसे कि बहुत सारी जो जो देश को जरूरतें थी उन सब चीज़ों को मोदी जी ने आगे लोगों के अपने लोगों ने जो जो कहा उन्होंने सब करा और हमारे युवा मोर्चा द्वारा आज यहाँ पे बाइक रैली निकाली जा रही है। उन्हीं जो 8 साल में मोदी जी ने जो जो कार्य किए हैं उन सब के।
मध्य प्रदेश के दो बड़े शहर भोपाल और इंदौर के हर घर में 10 किलो ई कचरा मौजूद है। ये खुलासा हुआ है सार्थक एनजीओ की इंपैक्ट असेसमेंट ऑफ ई वेस्ट इन एमपी की सर्वे रिपोर्ट में। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले समय में ये ई कचरा प्रदेश के गांवों से लेकर शहर के हर घर में 5 किलो तक मौजूद हो सकता है। अगर इस मामले में जनता को अभी भी जागरूक नहीं किया गया तो ये आने वाले समय में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। इतना ही नहीं, संस्था के ई वेस्ट क्लिनिक ने पिछले 3 महीनों में केवल भोपाल से 2800 किलो ई वेस्ट कलेक्ट किया है, जिसमें मोबाइल चार्जर, प्रिंटर कॉटेज, एसी टीवी के रिमोट और मोबाइल बैटरी शामिल हैं। इतना ही नहीं, लॉकडाउन के बाद लोगों ने पुराने वीसीआर सीडी प्लेयर भी ई वेस्ट क्लिनिक को सौंपे। पुराने ई वेस्ट को खत्म करना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि ये पर्यावरण के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। मध्य प्रदेश के सागर की ग्राम पंचायत देवरी नाहर मऊ में जानकी आदिवासी युवती निर्विरोध सरपंच चुनी गई, जिसकी उम्र महज 21 वर्ष है, जो पूरे प्रदेश भर में सबसे कम उम्र की सरपंच हैं। आपको बताने के ग्राम पंचायत देवरी नाहर मऊ की सरपंच पद के लिए एसटी के लिए आरक्षित सीट पर नामांकन दाखिल किया था, वहीं निर्विरोध जीत कर हासिल कर गाँव की सरकार चलाएंगी। द लेडी किलर की शूटिंग के लिए अभिनेता अर्जुन कपूर नैनीताल पहुंचे। उन्होंने आज मीडिया से मुलाकात की। इस दौरान अर्जुन ने नैनीताल की वादियों की तारीफ करते हुए कहा कि इस बार काफ़ी संख्या में पर्यटन नैनीताल पहुंच रहे हैं, जिसके चलते फिल्म लोकेशन पर जाने में खासा समय लग जाता है। अर्जुन कपूर ने कहा कि अगर सरकार उत्तराखंड में बेहतर सुविधाएँ देती है तो यहाँ फिल्म शूटिंग के लिए काफ़ी लोग पहुँचेंगे। And I think we should not create a situation जहाँ पे एक डिवाइड बनाया जाए कि यार वो चल रही है, हमारी नहीं चल रही। फेजेज होते हैं, चीज़ें होती हैं। इस वक्त वो जिस तरह का सिनेमा दर्शा रहे हैं वो आम आदमी को बहुत पसंद आ रहा है। हम उसे सीख रहे हैं, हम उसे समझ रहे हैं। हमने भी वही सिनेमा बनाया। अगर आप देखेंगे तो हमारी फिल्मों में भी वही छवि रही है। हिंदुस्तान तो एक ही है और एंटरटेन करने का मकसद भी एक ही है। तो ये साउथ नॉर्थ का डिवाइड जब आने लगता है बातों में ना, तो ऐसा लगता है कि कोई रेस है। Eventually, race should only be to entertain all of y'all, not for which language is doing better and which language. Because अगर देखा जाए तो हमारी पिक्चर उनके लैंग्वेज में डब होती है, उनकी फिल्में हमारी लैंग्वेज में डब होती है। हम आज टीवी पे देख पाते हैं, अब डिजिटल पे देख पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट तो कॉमन चीज़ है कि मेरे लिए तो लकी रही है। उत्तर प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई में ग्रामीण सरकार की बखूबी मदद कर रहे हैं। ताज़ा तस्वीर बलिया जिले के ककरहट्टा गांव की है, जहां ग्रामीणों ने अवैध शराब की भट्टियों को तहस नहस कर दिया और लहान को नष्ट कर दिया, जबकि ड्रमों में भरी शराब को खेतों में फैला दिया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही CO ने कहा कि जिस इलाके में शराब नष्ट की गई है वो उत्तर प्रदेश और बिहार को बॉर्डर पर है। पुलिस मामले के संज्ञान लेकर जांच पड़ताल कर रही है। मनियर के ककरघट्टा गांव की, जो कि घाघरा नदी के किनारे है, ग्रामीणों द्वारा शराब को नष्ट करने का जो वीडियो वायरल हुआ है, इस संदर्भ में मेरे द्वारा जांच की जा रही है तथा पुलिस टीम भेजकर उसको लगातार उस पर दबिश चल रही है। पूर्व में भी शराब के कई मुकदमे वहाँ दर्ज किए गए, चूँकि नदी के किनारे है जो बिहार का बॉर्डर लगता है, और वहाँ पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई चल रही है। फिलहाल इस बुलेटिन पे इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए MK News। नमस्कार।